टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ टेक महिंद्रा. क्या टेक महिंद्रा में कोई बॉन्ड होती है, क्या एग्रीमेंट होती है, हमको साइन करना पड़ता है? अगर हम साइन कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होने तक हमको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेशर्स को जो लोग यहाँ पे वर्क करना चाह रहे थे, काफ़ी सारे आई नो यही डाउट होता है राइट. तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा बताने वाली हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या होती है, एग्रीमेंट क्या होती है, कुछ पैसा आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू लीव यू नो बिफोर द कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड. तो सब कुछ मैं डिटेल बताने वाली हूँ, वीडियो को पूरा देख लेना, कहीं पे भी छोटी सी छोटी बात को भी स्किप मत करना ठीक है. ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल का जो भी पीरियड होता है वो आपको बताया जाता है एट द टाइम ऑफ योर जॉइनिंग ऑफर लेटर में, सब कुछ होता है, लेटर ऑफ इंडियन में भी होता है ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि दिसंबर में और नवंबर आई थिंक सो 25 कुछ डेट है गाइस, तो उसके पहले अगर आप छोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, कंपनी से कुछ यहाँ पे लेना देना कुछ भी नहीं है ठीक है. तो जैसे कि आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, एवरीवन डू द सेम राइट. किसी भी अच्छी अगर यू नो अपॉर्चुनिटी आती है तो दे विल लीव द राइट कंपनी. जो भी वर्क करते हैं नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, इफ नॉट जस्ट नॉर्मली छोड़ देते हैं एंड दे विल ट्राई टू लुक फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड होने तक अगर आप वेट करते हो तो वेट कर लो, इफ नॉट आप छोड़ सकते हो तो दैट्स डेफिनेटली योर ओपिनियन. तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, कंपनी को 1 रुपी पे नहीं करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग पूछ रहे गाइस, आई डोंट नो कि आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, बट बार बार जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ ऑलरेडी उस टॉपिक पे ही आके फिर से कमेंट करते हो यार, आई डोंट नो. बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के रखी, एक बार जाके अपने चैनल पे चेकआउट कर लीजिएगा जरूर. हर छोटी से छोटी पॉइंट में मैं वीडियो बना के रखती हूँ. ऑल राइट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एग्रीमेंट होती है क्या. हाँ जी, तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ योर जॉइनिंग. तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट का जो भी होता है ना, आई थिंक यहाँ पे फोटो रख देती हूँ छोटा सा, तो आपको आइडिया आ जाता है कुछ इस टाइप में दिखता है ठीक है. तो एग्रीमेंट होती है कंपनी से आपको कि आप एग्री कर रहे हो कंपनी के साथ काम करने के लिए ठीक है. ये ऐसा भी नहीं है कि आप एग्री कर रहे हो 1 ईयर तक आपको यू नो काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट लाइक अ नेम से एक एग्रीमेंट, जैसे कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर होता है, नेम डालते हो, डेट डालते हो, वहाँ पे आपका सिग्नेचर करते हो, जस्ट नॉर्मल चीज़ें होती है राइट. तो उसी टाइप में आप कंपनी से काम करने के लिए वर्क यू नो एग्री कर रहे हो, तो उस टाइप का एग्रीमेंट होता है. नॉट लाइक यू नो आपको करना ही पड़ेगा, वरना यू नो आपको ही रिपे करना पड़ेगा अगर आप छोड़ दें, ऐसा कुछ भी नहीं है. बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल यू नो जॉब है गाइज, वर्क फ्रॉम होम, दैट टू सिर्फ 12,000-13,000 के लिए कोई कंपनी इतना नहीं करता ठीक है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक एग्रीमेंट, यू नो यहाँ पे बॉन्ड होती है क्या. तो कंपनी से कुछ बॉन्ड नहीं होती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल टाइम के लिए आपको हायर किया जा रहा है ठीक है. क्योंकि बिग बिलियन डेज आने वाले हैं फ्लिपकार्ट का, एक मतलब जो ईयर में एक बार ही होता है ठीक है, उसके लिए ही यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा. तो इट विल बी लाइक दिसंबर तक चलेगा उनको पूरा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर के जो भी ऑफर्स होते हैं ना फ्लिपकार्ट पे, तो इसलिए इतना ज़्यादा हायर कर रहे हैं. उसके बाद उनको कुछ लेना देना नहीं है. अगर आप इंटरेस्टेड हो, करना चाहते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, इफ नॉट आप वहाँ पे छोड़ सकते हो. दैट डजंट मीन कि यू नो बॉन्ड है आपको साइन करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक अ नेम से. हमारे टाइम पे यू नो जैसे कि लास्ट ईयर कोलीग्स ऐसे ही थे गाइस, उनको वर्क प्रेशर उतना हैंडल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिए. कुछ लोग बोल के छोड़ दिए, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट यू नो नोटिस पीरियड होता है वो सर्व करके छोड़ दिए, कुछ लोग बिना बोले ही छोड़ दिए. इट विल बी लाइक एन एब्सकॉन्डिंग, कुछ ऐसे होता है ना. तो ये भी क्वेश्चन किसी लड़के ने मुझे पूछा है कि एब्सकॉन्डिंग होने से क्या होता है. एब्सकॉन्डिंग इज लाइक बिना आप कुछ बोले इंटीमेट करें आप जॉब छोड़ना ठीक है, उसको कहते हैं एब्सकॉन्डिंग. तो यहाँ पे होती है कि अगर आप एब्सकॉन्डिंग करते हो तो यहाँ पे कुछ आपको कंपनी पे नहीं करेगा, सॉरी आप कंपनी को कुछ पे नहीं करोगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी कंपनी के थ्रू से. एंड वहाँ पे आपको यू नो एक रिलीविंग लेटर मिल जाएगी, उसके साथ ही साथ आपको यू नो एक लेटर भी मिल जाएगा कि आपको टर्मिनेट किया गया है कंपनी की ओर से. बट उसके बाद चाहे तो 3 महीने के बाद फिर से कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो, दैट डजंट मीन एट ऑल. तो यहाँ पे कुछ इस टाइप है गाइस टर्म्स एंड कंडीशंस. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होते यहाँ से टेक महिंद्रा कंपनी से. तो जितना मर्जी आप कर सकते हो उतना आप कर लीजिए. एंड जैसे कि आप छोड़ सकते हो तो उनको बोल के छोड़ दीजिएगा, नोटिस पीरियड सर्व कर लीजिएगा. क्योंकि नेक्स्ट का जो भी अगर आप यू नो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हो तो आपको यू नो थोड़ा बहुत अच्छा फीडबैक होनी चाहिए राइट. तो जैसे कि आप अगर एक्सपीरियंस को ऐड करना चाहते हो तो आप ये ऐड कर सकते हो. इफ नॉट 3 मंथ्स की
एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस, यू नो, आपको अगर नहीं चाहिए तो आप एज अ फ्रेशर भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइज. बट मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि जो भी नोटिस पीरियड होता है ना, तो वो आप सर्व करके रिलीविंग लेटर लेके दूसरी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो. सो आई होप आई क्लियर सम ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग दिस, यू नो, टेक महिंद्रा टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, बॉन्ड, एग्रीमेंट, जो भी होता है इसके अंदर पूरा मैं क्लियर कर चुकी हूँ. इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस. हर एक क्वेरी को मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगी. ओके, अंटिल देन आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.